नमस्कार, स्वागत है आपका एस टुडे की स्पेशल रिपोर्ट में। मैं हूँ आपके साथ अनु शर्मा। तो हम इस टाइम आए हैं वार्ड नंबर 10 में, जहाँ से सुलोचना देवी जो है पहले भी वर्तमान में प्रधान के पद पर रह चुकी हैं वार्ड नंबर 10 से, और इस बार भी वो भाजपा समर्थित पार्षद के रूप में चुनाव लड़ रही हैं। तो अब आपको हम रूबरू करवाएंगे वार्ड नंबर 10 की जो उम्मीदवार हैं इस बार भाजपा समर्थित सुलोचना देवी से, कि उन्होंने जो इस बार है, पहले भी वो प्रधान के पद पर आसीन थी, तो उन्होंने जो विकास के कार्य करवाए हैं, और इस बार जो है वो लोगों के लिए और अपने वार्ड में क्या क्या जो विकास के कार्य हैं करवा रही हैं। जैसे आप सभी जानते हैं कि इस बार जहाँ भी रहे हैं, जहां भी बैठ रहे हैं या किसी भी व्यक्ति से बात कर रहे हैं, वहां पर चुनावों के मुद्दों की ही बातें हो रही हैं। तो इस बार ये है कि लोग भी चाहते हैं कि हमारे लिए जो उम्मीदवार आए वो ऐसा हो जो कि विकास के कार्य करवाए। तो आइए आपको अब रूबरू करवाएंगे सुलोचना देवी से, और उनसे पूछेंगे कि इस बार उनको जो विकास करवाएंगी उनकी क्या प्राथमिकताएं रहेंगी लोगों के बारे में। पहले तो मैम आपका स्वागत है स्टूडियो चैनल में। तो आप हमें बताइए कि जो आप पहले भी प्रधान पद के रूप में इस बार में आसीन थी, और इस बार भी आप भाजपा समर्थित पद में चुनाव लड़ रही हैं, तो आप बताइए कि इस बार आपकी क्या प्राथमिकताएं रहेंगी। मैं पहले 2005 में इलेक्शन लड़ा था पार्षद के रूप में, फिर 2005 से 10 तक भी पार्षद रही, और 10 से 15 तक अध्यक्ष के पद में कार्य किए मैंने। तो जो लोगों की मांगों थी वैसे पूरी कर दी, पूरी तो सारी तो हो नहीं सकती हैं, मगर जो अधूरे काम है उनको आगे पूरा करूंगी। मेरे को वार्ड नंबर 10 के लोगों का इतना प्यार मिला कि वो रेगुलर मेरे को चाहते हैं कि आप बार बार आओ। तो मैं वार्ड के लोगों से ही प्रार्थना करती हूँ कि इस बार फिर मेरे को मौका दें, और जो अधूरे काम बचे हैं उनको मैं समाप्त कर सकूँ। पहले पानी की बहुत दिक्कत होती थी, अब मैंने 2 टैंक अपने वार्ड में बनाए हैं, अब पानी की कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, क्योंकि पानी 2-3 घंटे बहुत पानी आता है, तो लोग संतुष्ट हैं कि पानी की कोई समस्या नहीं है। सड़कें जो थोड़ी बहुत कच्ची बची हैं, कोई नए रास्ते बनने हैं, वो भी इस साल पूरे हो जाएंगे, और जो छोटे रास्ते हैं वो लोग बोलते हैं कि सड़कें तो अगर ज़मीन देंगे तो वो भी पूरे हो जाएंगे। कोई ऐसी ये नहीं है, जो नाड़ियाँ नूड़ियों का काम वो भी हम इस बार करेंगे। पीछे तो हमें बहुत दिक्कत आई, 1 साल तो लॉकडाउन में फंसे रहे, वो भी कोई काम नहीं हुआ, और पहले भी थोड़ी दिक्कतें थी कमेटी में, पर आगे की हम सोचते हैं कि ऐसी कमेटी बने कि पूरा जो काम है और हमारे कार्य का जो विकास के कार्य जो उनको पूरा करूँगी, और पूरे शहर में सभी से यही प्रार्थना करती हूँ कि जो भी प्यार मेरे को पहले मिला है वो आप फिर दोबारा दें, और मैं जो अधूरे काम है उनको पूरा करूंगी। तो आपने देखा ही, जो सुलोचना देवी वार्ड नंबर 10 से इस बार भाजपा समर्थित के पार्षद के रूप में चुनाव लड़ रही हैं, उन्होंने बताया कि जो पीछे ये चुनाव लड़ रही थी उनमें कुछ विकास के कार्य जो हैं वो रह गए हैं, उनको इस बार पूरा किया जाएगा। तो आइए कुछ और बातें जानते हैं उनसे कि वो आगे क्या कहेंगी। क्योंकि जो सिवरेज मेरे वार्ड में 2-3 गांव रह गए हैं, वो भी 2-4 बार हम शिमला भी गए, वो पैसा आ गया है, एमएलए साहब ने बहुत सहायता की है, उनके थ्रू भी पैसा जो सिवरेज का आ गया है, टेंडर जो वार्ड कर दिए हैं, वो इस साल सारे जो सिवरेज के कार्य वो पूरे हो जाएंगे, और मैं ये चाहती हूँ कि दोबारा मेरे को मौका दें। तो आपने देख ही लिया कि जो इस बार वार्ड नंबर 10 से हैं भाजपा समर्थित सुलोचना देवी, उन्होंने बताया कि जो पानी की समस्या है उसको पूरा किया जाएगा, और कहीं भी वार्ड में लोगों को पानी की किल्लत आएगी तो उनको पूरा किया जाएगा, और हर घर घर में लोगों को पानी की किल्लत नहीं आएगी, और जो सीवरेज की समस्या है उसको भी दूर किया जाएगा। तो ये थी एस टुडे की स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूँ आपके साथ अनु शर्मा।